हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी शेयर करने वाला हूं। यकीन मानिए कि इन सभी शब्दों को याद करने के बाद आपका गली मोहल्ले में नाम छा जाएगा। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहला वर्ड है नमकीन। क्या आपको पता है नमकीन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको आप कहते हैं क्रिस्प सॉल्टी, क्रिस्प सॉल्टी, विच मीन्स नमकीन। नेक्स्ट, कचौड़ी आपने बहुत बार खाई होगी, इसको आप कहते हैं इंग्लिश में पाई, पी आई ई, सिंपल पाई, विच मीन्स कचौड़ी। आगे देखिए भंडारा, अक्सर आपने देखा होगा गली मोहल्ले में भंडारा होते हुए, क्या कहते हैं आप इसे? इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक फीस्ट, पब्लिक फीस्ट, विच मीन्स भंडारा। नेक्स्ट टाइम से आपको भंडारा खाने का मन होगा ना, तो यही बोलना कि आई फील लाइक हैविंग अ पब्लिक फीस्ट, यानी कि मुझे भंडारा खाने का मन कर रहा है। अगला वर्ड समोसा, इसको आप बोलते हैं रिसोल, आर आई डबल एस ओ एल ई, रिसोल, विच मीन्स समोसा। नेक्स्ट, जलेबी। देखिए जलेबी का नाम सुनते ही अक्सर सभी के मुंह में पानी आ जाता है, आप क्या कहते हैं जलेबी को इंग्लिश में? इसको आप कहते हैं फनल केक, एफ यू डबल एन ई एल सी ए के ई, फनल केक, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है। ये फ्यूनल नहीं है बल्कि ये फनल है, फनल केक यानी कि जलेबी। अगला देखिए, आप इसको कहते हैं रोडिड स्वीट, रोडिड स्वीट, आर ओ यू डी ई डी, रोडिड स्वीट यानी कि जलेबी। नेक्स्ट, सिरप फील्ड रिंग, सिरप फील्ड रिंग यानी कि जलेबी, एस वाई आर यू पी, सिरप, एफ आई डबल एल ई डी, फील्ड, आर आई एन जी, रिंग, सिरप फील्ड रिंग यानी कि जलेबी। अगला वर्ड देखिए गुलाब जामुन, इसको आप कहते हैं इंग्लिश में डम्पलिंग, डी यू एम पी एल आई एन जी, डम्पलिंग यानी कि गुलाब जामुन। नेक्स्ट, टिक्की, अक्सर आप सभी ने खाई होगी, इसको आप बोलते हैं पटेटो केक, पटेटो केक। यहाँ पर देखिए अक्सर स्टूडेंट इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में मिस्टेक करते हैं, मिस प्रोनाउंस करते हैं, पी ओ टी ए टी ओ, ये पोटेटो नहीं है बल्कि इसकी जो सही प्रोनंसिएशन है ना वो है पटेटो, पटेटो, इस तरह से आपने प्रोनाउंस करना है, पटेटो केक यानी कि टिक्की। अगला, गोलगप्पे या फिर आप इसको हिंदी में पानीपुरी भी कहते हैं। कई राज्य ऐसे हैं, स्टेट ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां पर गोलगप्पे को पानीपुरी के नाम से भी लोग जानते हैं। फिलहाल इसकी इंग्लिश देखते हैं, फ्राइड पफ पेस्ट्री बॉल्स यानी कि गोलगप्पे। देखिए दूसरा वर्ड क्या है गोलगप्पे के लिए, इसको आप कहते हैं फ्राइड व्हीटन केक, फ्राइड व्हीटन केक यानी कि गोलगप्पे। इसी तरह से अगला वर्ड देखिए गोलगप्पे के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर बॉल्स, सिंपल, आपको सिंपली कहना है ना कि गोलगप्पे तो आप क्या कहते हैं, वाटर बॉल्स, इस नाम से भी गोलगप्पे को हम इंग्लिश में जानते हैं। आगे देखिए द वॉल वाटर, द वॉल वाटर यानी कि गोलगप्पे। इसी तरह से अगली मीनिंग देखिए, फेरिकल क्रिस्पी डिश फील्ड विद स्पाइसी वाटर, फेरिकल क्रिस्पी डिश फील्ड विद स्पाइसी वाटर, विच मीन्स गोलगप्पे। यहाँ पर देखिए मैंने पांच मीनिंग आप सभी के सामने रखी हैं गोलगप्पे के लिए, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में। हो सकता है कि लास्ट वाला आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, फेरिकल क्रिस्पी डिश फील्ड विद स्पाइसी वाटर, सिंपल आप शुरू की चार याद कर सकते हैं, सिंपली आप शुरू की चार मीनिंग याद कर सकते हैं गोलगप्पे के लिए, फ्राइड पफ पेस्ट्री बॉल्स, फ्राइड व्हीटन केक, वाटर बॉल्स और द वॉल वाटर। आगे बढ़ते हैं, सेवई अक्सर आपने खाई होगी ना, सेवई को आप कहते हैं नूडल्स, एन डबल ओ डी एल ई एस, नूडल्स, या फिर आप कहते हैं वर्मसिली, वी ई आर एम आई सी ई डबल एल आई, वर्मसिली, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है, वर्मसिली। अगला वर्ड देखिए घी, अक्सर आप सभी के घर में होता है, इसको आप कहते हैं क्लैरिफाइड बटर, क्लैरिफाइड बटर, विच मीन्स घी। नेक्स्ट, खीर, खीर को आप कहते हैं राइस पडिंग, राइस पडिंग, आर आई सी ई पी यू डबल डी आई एन जी, राइस पडिंग।
नेक्स्ट पूरी, भंडारे के साथ आप खाते हैं ना पूरी, ये वही पूरी है। पूरी या फिर पूड़ी, दोनों ही नाम से इसको जानते हैं। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं डीप फ्राइड ब्रेड, डीप फ्राइड ब्रेड यानी कि पूरी यानी कि पूड़ी। नेक्स्ट फ्राइड इंडियन ब्रेड, फ्राइड इंडियन ब्रेड यानी कि पूड़ी। आगे देखिए गुड़, इसको आप कहते हैं जैगरी, JAGGERY, जैगरी विच मीन्स गुड़। तो गाइस देखा ना आपने, आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स और उनकी मीनिंग मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल के लिए आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इनमें से कौन-कौन से वर्ड्स आप सभी के लिए नए थे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।